तो फ्रेंड मैं हूं शाहबुद्दीन प्रोफेशनल ट्रेनर और अभी जो मैं अपने स्टूडेंट को बताऊंगा कि जेसीबी मशीन में कितना निप्पल्स होता है, ग्रीस मारने का जो पॉइंट है वो कितना होता है। हम यहाँ पे लोडर के पास से बताएंगे आपको, ठीक है। ये देखिए, एक ये पॉइंट हो गया, एक दो पॉइंट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे होता है तीन, एक इसमें होता है जो कि अंदर से मारना होता है, चार हो गया ना। एक ये हो गया, एक यहाँ पे मारा जाता है, एक यहाँ पे मारा जाता है इसमें अंदर से, सात हो गया। एक इसमें मारा जाता है, आठ हो गया। एक यहाँ पे मारा जाता है, एक यहाँ पे मारा जाता है, एक यहाँ पे मारा जाता है, 11 हो गया। और एक देखिए, एक यहाँ पे मारा जा रहा है 12, और टायर में यहाँ मारा जाता है, कितना हुआ 13। एक यहाँ मारा जाए इसमें एक नीचे वाला में मारा जाता है 15, ठीक है ना, 15। और एक ये हो गया, कितना हुआ 16, ये साइड हो गया और वो साइड 15 होता है। ये जो है ये वाला वो साइड में नहीं होता है, ये एक ही साइड में होता है। ये अपना जो एक्सट्रीम जो ये धड़ी है ना, वहाँ पर जो ऐसे ऐसे घूमता है उसके लिए ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ एक ही साइड में होता है, वो ये साइड में होता है, ठीक है ना। ये साइड में कितना हो गया 16, और वो साइड में कितना हो गया 15। इधर सिर्फ 16 है, उधर 15 रहेगा, 16 15 कितना हो गया 16 15 21 हो गया। तो ये अपने लोडर साइड में जो कितना हो गया टोटल 31, ठीक है। अभी मैं आपको इधर बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक ये हो गया 7, एक ये हो गया, एक यहाँ पे होता है इसमें यहाँ से मारा जाता है 9, ठीक है। इसमें 2 है, 9 10 11 11 हो गया ना। एक इस पे मारा जाता है 12, एक इस पे मारा जाता है यहाँ पे 13, ठीक है। एक यहाँ पे है 14, एक यहाँ पे है, एक इस पिन में यहाँ मारा जाता है 16, ठीक है ना। एक इस पिन में मारा जाता है यहाँ पे, ये देखो 17, ठीक है। अभी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ 17, ठीक है। एक यहाँ मारा जाता है इसमें 18, एक यहाँ पे है 19, एक ये है, एक ये है 20, एक ये है 21, 22, और ये है 23, समझ गया ना। टोटल इसमें कितना है बूम में 22 निप्पल है, आगे में 21, इसमें 23, टोटल कितना हो गया 54 पे हो गया, 54 हो गया। तीन जो है नीचे रहता है, तीन निप्पल जो है वो नीचे रहता है क्रॉस में, जो क्रॉस है उस क्रॉस में उसमें रहता है, जो इसमें एक, इसमें एक और एक बीच में रहता है, समझ गया ना। किधर किधर देख रहा है, किधर देख रहा है, उसको बोलते हैं लंबा वाला जो है ना, उसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें हाँ बिल्कुल ओपिनियन है उसी में, कि किधर का जो क्रॉस है उसमें रहता है, उसमें रहता है, और एक जो लंबा वाला बीच में है उसमें रहता है, ठीक है ना। तो 54 और 3 कितना हो गया 55 56 57, 57 की टोटल मशीन में रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जेसीबी मशीन में टोटल कितना निप्पल्स होता है, समझ आ गया ना। आगे कितना था 31, पीछे कितना हुआ 27, पीछे कितना हुआ 3, टोटल हो गया 57, समझ आ गया ना। अब इसमें जो बात ये आती है कि ग्रीस कहाँ कहाँ मारा जाता है, तो ग्रीस आपको सभी एवरी डे जो है पूरा मशीन में मारना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कहाँ चल रही है, कैसी जगह पे चल रही है। अगर हेवी वर्क है तो वहाँ पे आपको डेली काम करना, डेली मतलब कि आपको ग्रीसिंग करना है। हेवी वर्क का मतलब आपका लोडर भी चल रहा है, बोम भी चल रहा है, पूरा 12 12 15 15 घंटा चल रहा है, तो आपको एवरी डे ग्रीसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और वो लाइट काम है, हल्का फुल्का काम चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी ये चल रहा है, तो आपको मेन पिन में कम से कम को मारना ही पड़ेगा, बाकी एक दिन के बाद आपको मारना है, समझ में आ गया ना। ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीस कब मारना चाहिए और कहाँ कहाँ मारना चाहिए, कितने दिन में मारना चाहिए, समझ आ गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ग्रीस का निप्पल कितना होता है और कहाँ कहाँ होता है और कितने ग्रीसों में कब कब ग्रीस मारना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगर आप जेसीबी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आके जेसीबी सीख सकते हैं। बाकी कॉल करें, जानकारी लें कि ट्रेनिंग का फीस क्या है और कितना समय आपको लगेगा। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।